शुरुआत होगी तो अंत भी होगा। ये मैं आखिरकार क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को पता है? बहुत सारे लोग जो है मनीषा रानी के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं, उसके करेक्टर के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं। अब जब मनीषा रानी के ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए जाएंगे, मनीषा के ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए जाएंगे, इतना गंदा बोला जाएगा, करेक्टर के ऊपर इतना गंदा बोला जाएगा, शुरुआत तो हुई है तो अंत भी होगा, और जब अंत होगा तब ऐसा अंत होगा कि सबकी आंखें फटी रह जाएगी और दूसरी बार वो शुरुआत करने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है। मनीषा रानी के फैंस जो कि देख रहे हैं कि मनीषा को काफ़ी भला बुरा क्या, बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है, मनीषा के साथ साथ भाई मुझे भी गालियाँ पड़ रही हैं। अभी गालियाँ इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि मैं सच की आवाज़ बन के सामने आती हूँ और मुँह थोड़ा जवाब देती हूँ। KHOOSHIRUH ये मेरा इंस्टाग्राम ID है जहाँ पर भर भर के गालियाँ पड़ी हुई हैं, आप लोग भी जाके उनको भी जवाब दे सकते हो। तो गाइस मनीषा रानी को दीदी दीदी बोल के दीदी की इज्जत निकाली लोगों ने, इतनी गंदी है मनीषा, भाई बोल के भाई के साथ रोमांस कर रही है, पप्पी झप्पी कर रही है, पहले क्या बोला था अब क्या बोल रही है, इतनी गंदी वीडियो बनाती है, इतनी ठरकी है ये, किसी भी लड़के के ऊपर चिपक जाती है, ये गंदी बातें हैं, बट फिर भी बोल सकती हूँ मैं और आप लोगों को सुना भी सकती हूँ ये बातें। अब आप देखिए कि जिया शंकर के फैंस जो है ये सब चीज़ें कर रही हैं और मनीषा फैंस ने भी शुरुआत उन्होंने की तो मनीषा फैंस ने भी जवाब दिया। जिया शंकर का एक वेब सीरीज या मूवी जो है वो एक्चुअली में अल्ट बालाजी पे आया था, वर्जिन भास्कर 2, उसमें जिया शंकर है। जिया शंकर ने पास्ट में कोई भी काम किया है, देखिए वो भी लड़की है जिया शंकर। जिया शंकर का नेचर जब वो कुछ डिसीजंस लेती है वो मुझे पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो सही नहीं होते, वो दोगले होते हैं। मुझे इंसान वो पसंद आता है जो कि अपने कोई भी डिसीजन हो उसके ऊपर स्टैंड ले, जिया शंकर नहीं लेती, वो पलटू है, वो बस किसी को यूज़ करते करते आगे जाती रहती है, इसलिए मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती। पर मैं जिया के बारे में भी गंदा कभी ना बोला था ना मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं नहीं। जिया शंकर ने ये जो भास्कर वर्जिन भास्कर 2 किया था इसमें बहुत ही गंदा है यार, बहुत ही गंदा है, मतलब कि इतना, अगर मैं बोलूँ ना कि किसी का अगर रात को कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो ये अगर सुन लिया ना तो बहुत ही कुछ करने का मन कर जाएगा, दूसरी वूसरी मूवीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आवाज़ से ही सेड्यूस हो जाओगे, ऐसी आवाज़ दी है, ऐसे सीन्स किए हैं, इतना ओपन बोल्ड वो किया है, जो एकता कपूर है वो बोल्ड चीज़ें करवाती है, पर ये काम है। अभी शुरुआत करोगे तो अंत तो होगा ना, अगर मिट्टी उछालोगे नंगा करोगे तो वापस भी तो जवाब मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला भाई ये जवाब जो है वो अब दिए जा रहे हैं, अब जिया शंकर की ये पास्ट की चीज़ें जो है निकाल के सामने रखी जा रही है, क्या फ़ायदा था भाई, नंगा करने गए किसी और को, नंगे खुद होके आए, अभी शर्मिंदा कौन हुआ है, अभी शर्मिंदा तो बताइए कौन हुआ है। ये चीज़ें तो आखिरकार मैं आपके सामने लेके आती हूँ और मेरी यही बात है भाई, मैं किसी लड़की के ऊपर गंद नहीं बोलती क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे गंद बोलना आता भी नहीं है, सच्चाई बोलनी आती है, गंद नहीं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।